टेन ऑन टेन पेश करते हैं गोरखपुर की 10 सबसे अच्छी जगह और अन्य जरूरी जानकारियाँ। गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक देखने लायक शहर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गोरखपुर के 10 मुख्य जगहों के बारे में। वीडियो को अंत तक और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए और भी बहुत कुछ है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाकर घंटी भी दबा दीजिएगा। नंबर 10, वीर बहादुर सिंह नक्षत्र भवन। वीर बहादुर सिंह प्लेनेटेरियम, जिसे तारामंडल कहा जाता है, गोरखपुर की एक ऐसी जगह है जहां आप आधुनिक यंत्रों के जरिए ब्रह्मांड के बारे में करीब से जान सकते हैं। अगर आप पहले कभी तारामंडल नहीं गए तो यहाँ एक बार तो जरूर जाइएगा। नंबर 9, गोलघर मार्केट। गोलघर मार्केट गोरखपुर का सबसे व्यस्त बाजार है। ये गोरखपुर के रेलवे स्टेशन से बेहद नजदीक है और यहाँ से आप अपने या अपने सगे संबंधियों के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ आपको कपड़े, गहनों, खान पान आदि की सैकड़ों दुकानें मिल जाएंगी। नंबर 8, कुशमी फॉरेस्ट। कुशमी फॉरेस्ट सैकड़ों एकड़ में फैला वन्य क्षेत्र है और ये वन गोरखपुर शहर के लिए फेफड़ों का काम करता है। यहाँ साल के अनगिनत वृक्ष हैं जो यहाँ के पर्यावरण में एक भीनी सी महक घोल देते हैं। यहाँ के विनोद वन और छोटे से जू में भी आप जा सकते हैं। नंबर 7, नीर निकुंज वाटर पार्क। अगर आपका मन कर रहा है पानी में परिवार के साथ मौज मस्ती करने का, तो आप रुक कर सकते हैं गोरखपुर के नील निकुंज वाटर पार्क का। यहाँ पर वाटर स्लाइड्स पर जब आप तेजी से फिसल कर नीचे आएंगे तो आपकी सारी थकावट और स्ट्रेस पीछे रह जाएगा। नंबर 6, गीता वाटिका। गोरखपुर के असुरन चौक के पास स्थित गीता वाटिका भी एक अच्छी देखने लायक जगह है। यहाँ का मुख्य आकर्षण यहाँ पर बना राधा कृष्ण का मंदिर है, जिसमें भक्त अक्सर भक्ति में लीन दिखेंगे। इस जगह के आसपास कई अच्छे रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गोरखपुर की और अच्छी जगह देखें, मैंने स्क्रीन पर देश के प्रमुख शहरों से गोरखपुर जाने वाली ट्रेनों की लिस्ट दे रखी है, जिसका इस्तेमाल आप अपनी यात्रा की प्लानिंग में कर सकते हैं। और बाकी वीडियो भी बड़े ही ध्यान से देखेगा, क्योंकि वीडियो के बाद आपको कमेंट के द्वारा बताना है कि गोरखपुर के किस पार्क में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी को समर्पित स्मारक बना हुआ है। नंबर 5, रामगढ़ ताल झील। अगर आपको एकांत वाली जगह पसंद है तो गोरखपुर की रामगढ़ ताल झील आपको निराश नहीं करेगी। ये झील बहुत बड़ी है और इसके किनारे की लंबाई 18 किलोमीटर की है। यहाँ पर आप बोटिंग के मजे भी झील और पंछियों को निहारते हुए ले सकते हैं। नंबर 4, गीता प्रेस। गीता प्रेस गोरखपुर का एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है। ये एक प्रिंटिंग प्रेस है जो भारत की सबसे बड़ी और पुरानी प्रिंटिंग प्रेस में से एक है। यहाँ पर साल 1923 से सनातन धर्म के शास्त्रों और पुस्तकों की छपाई हो रही है। नंबर 3, नेहरू पार्क। और आइए अब चलते हैं आपको लेकर गोरखपुर के नेहरू पार्क में, जो गीता प्रेस के एकदम करीब स्थित है। ये जगह सुबह या शाम को चहलकदमी के लिए एकदम उपयुक्त है। यहाँ पर महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी को समर्पित एक स्मारक भी बना हुआ है। नंबर 2, रेल म्यूजियम। अगर आप में है रेलगाड़ियों के प्रति दीवानगी और इंजन की छुक छुक वाली आवाज से आपके अंदर का बच्चा जाग जाता है, तो आप जल्दी से आइए गोरखपुर के रेल म्यूजियम में। यहाँ पर रेलगाड़ियों के कई इंजन प्रदर्शित करके रखे गए हैं। यहाँ रेल के डिब्बे के अंदर रेस्टोरेंट भी बनाए गए हैं। नंबर 1, गोरखनाथ मंदिर। गोरखपुर को अपनी पहचान मिली है संत गोरखनाथ से, और उन पर समर्पित गोरखनाथ मंदिर देखना तो बेहद जरूरी है। संत गोरखनाथ जी ने पूरे जहान में योग और मानवता का संदेश दिया था। ये मंदिर 12वीं सदी में बनाया गया था। आप गोरखपुर के ये सारे स्थान स्क्रीन पर दर्शाए गए रूट के द्वारा 3 दिन में घूम सकते हैं। 10 on 10 इनाम जीतने के लिए इस वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब देना मत भूलिएगा। हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो को अंगूठे का चिन्ह दबाकर लाइक जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दी गई हमारी अन्य वीडियोस भी जरूर देखें, जो आपको बेहद पसंद आएंगी। शुक्रिया। जय हिंद।